अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वोकैबुलरी की एक नई सीरीज़ के साथ आपका दोस्त वज़ीर अज़हर मेहंदी आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC और UPSC के एग्ज़ाम्स करीब ही हैं, तो इस हवाले से मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है कि एक्सपेक्टेड वोकैबुलरीज फॉर 2021। ठीक हो गया, तो आज हम इसमें मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मुख्तलिफ निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है वो है पैम्पर। पैम्पर को सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा ये जो डायपर होता है पैम्पर। पैम्पर क्या होता है भाई, ये बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पैम्पर इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो पैम्पर का भी यही मतलब है इंग्लिश में कि किसी को कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, कम्फर्टेबल कुछ चीज़ें या लग्जरियस चीज़ें देना जो उसकी सेहत के लिए अच्छी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं। देखें, शी स्पेंट हर चाइल्डहुड एज अ पैम्पर्ड डॉटर ऑफ वेल्दी फैमिली। वेल्दी फैमिली में क्या करते हैं भाई, बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार दिए जाती है जिसकी वजह से वो बिगड़ जाते हैं। तो पैम्पर का मतलब है किसी को ज़्यादा चीज़ें या कोई फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड करना कि जो उसके लिए अच्छा ना हो, चीज़ अच्छी ना हो उसके करेक्टर के लिए या उसकी सेहत के लिए। ठीक हो गया, तो इस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड पैम्पर्ड। नेक्स्ट जो है वह है विंडिकेट। विंडिकेट को सुनते ही आपके जहन में आया होगा विन केस। बंद देखें, विन केस, फ़र्ज़ करें आपके खिलाफ़ किसी ने कोई केस किया है, बाद में आप केस जीत जाएं, तो विन अ केस हो गया, यानी आप बरी हो गए। ठीक हो गया, तो क्या प्रूव राइट होना, कोई आपके ब्लेम में आप रिमूव हो जाना। ठीक हो गया, ये नज़र आ रहा है बंदा, देखें कितना खुश नज़र आ रहा है। तो इसने क्या किया, विन ए केस किया, तो विंडिकेट है विन ए केस, यानी गिल्टी नॉट गिल्टी। देखें, आप गुनहगार पाए नहीं गए, मुजरिम पाए नहीं गए। अच्छा, एक बात याद रखें, विंडिकेटिव और विंडिकेट ये दोनों अलग वर्ड हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एक्लिविटी। एक्लिविटी को सुनते ही आपके जहन में आएगा एक्टिविटी। देखें, एक्लिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है भाई, कोई मज़े की चीज़ जिसमें हम क्या करते हैं, हाइट्स, मुख्तलिफ हाइट्स पर चढ़ते हैं, कोई मज़े का काम करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। ठीक हो गया, तो स्कूल्स में भी कराए जाते हैं। तो एक्टिविटी का भी मतलब यही है, क्या है, अपवर्ड स्लोप को कहते हैं। देखें, ये बंदा ऊपर ये क्या जा रहा है, स्लोप पे चढ़ रहा है गाड़ी में, तो अपवर्ड स्लोप को कहेंगे एक्टिविटी। तो उसको याद रखें एक्टिविटी के साथ। और एक और मज़े की बात, अगर आपको ये दोनों वर्ड्स याद हो गए होंगे तो आपको डेक्लिविटी का भी पता होना चाहिए। एक्लिविटी का मतलब है ऊपर जाना, स्लोप ऊपर की तरफ होना, जब डाउन स्लोप होगा तो वह डेक्लिविटी। ठीक हो गया, ऑल दो आई लव बाइकिंग आई फियर स्टीप एक्लिविटी। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको याद होगा, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस दफ़ा भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्सेशन। एब्सेशन को याद रखें अप सीज़र ऑन। देखें, इसको तोड़े तो क्या होता है, अप सीज़र ऑन। सीज़र आपको पता है ये कैंची हो गया, सीज़र क्या करता है, काटता है चीज़ों को। तो इसका मतलब भी है अलग होना कोई अहम पार्ट, लेकिन आप इसको आपने हर जगह भी यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ प्लांट्स के साथ यूज़ हो सकता है कि मतलब प्लांट जब क्या करते हैं, जब मौसम ख़िज़ा आ जाता है तो उसके पत्ते क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं जहाँ पर ये हो रहे हैं। देखें, तो इसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है, लीव एब्सेशन इन द ट्रीज। तो गाइस, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।